Good morning, student. In previous session, we have recalled the addition without carry of 2-digit and 3-digit. Okay. Now, addition of 4-digit number without carrying, यानी 4-digit numbers के addition करने, sum plus करेंगे, वो भी without carry. तो how to add? ठीक है, कुछ rules हैं, वो हम पढ़ेंगे. Step 1. Arrange the digit of the given number in column of 1000, 100, 10s and 1. यानी अगर मान लीजिए हमको digit दे रखी है 1, 4, 7, 8. तो इनको हमको 1000, तो 1 क्या हो जाएगा? 1000 की प्लेस पे. 3 क्या होगा? 100 की प्लेस पे. 7 क्या होगा? 10s की प्लेस पे. और 1s क्या होगा? 8 की प्लेस पे. ठीक है? तो हमको इनको कॉलम में अरेंज करना है. कॉलम 2, ऐड कॉलम वाइज, यानी कॉलम वाइज हमको ऐड करना है. फर्स्ट ऐड द वंस, देन द टेंस, नेक्स्ट द 100 एंड फाइनली द 1000. यानी हम वंस की प्लेस को पहले ऐड करेंगे, फिर टेंस के डिजिट पे जो संख्या दे रखी है, डिजिट दे रखी है, उनको ऐड करेंगे. उसके बाद 100 की डिजिट को ऐड करेंगे और फाइनली एंड में हम 1000 की डिजिट को ऐड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हमको यहाँ दे रखा है, एड 4567 एंड 2331. तो हम देखते हैं कि ज़ीरो की प्ले वंस की प्लेस पे हमने 7, टेंस की प्लेस पे 6, 100 की प्लेस पे 5 और 1000 की प्लेस पे 4. तो ये हो गया 4567. उसी तरीके से वंस की प्लेस पे 1, टेंस की प्लेस पे 3, 100 की प्लेस पे 3 और 1000 की प्लेस पे 2. तो ये हो गया 2331. अब हम क्या करना है? एडिशन करना है पहले हमको वंस की प्लेस का. तो 7 प्लस 1 8. एडिशन ऑफ टेंस डिजिट 6 प्लस 3 9. एडिशन ऑफ 100 डिजिट है ना, तो 5 प्लस 3 यानी 8. एडिशन ऑफ 1000 4 प्लस 2 यानी 6. तो अगर हम इन तीनों को ऐड कर, दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर आता है 6898. अब इसी तरीके से हम हमारी बुक की एक्सरसाइज 3.2 के सम सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट हमको दे रखा है यहाँ पर 2456 प्लस 3213 को हमको ऐड करना है. तो वंस की प्लेस पे 6 और 3 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 9. 10 की प्लेस पे 5 और 1 को प्लस करेंगे तो आएगा 6. 100 की प्लेस पे प्लस करेंगे 4 और 2 को तो ये आता है हमारा 6. और 1000 की प्लेस पे करते हैं 2 प्लस 3 तो ये आता है 5. तो दोनों को ऐड करने पे आता है 5669. इसी तरीके से इसी क्वेश्चन का सम नंबर 4, वंस की प्लेस पे 5 और 4 दे रखा है तो करेंगे प्लस तो आएगा 9. और टेंस के डिजिट पे 1 और 3 तो ये होता है 4. 100 के डिजिट पे 2 प्लस 2 करेंगे तो 4. और 1000 के डिजिट पे 3 और 2 दे रखा है तो इसको प्लस करने पे आता है 5. तो ये हमारा हो जाएगा 5449. इसी तरीके से सम नंबर 9, वंस की प्लेस पे 2 और 7 दे रखा है तो हम ये प्लस करेंगे तो ये होगा 2 और 7 9. टेंस की प्लेस पे 7 और 2 दे रखा है तो 8 और 9. 100 की प्लेस पे 4 प्लस 2 5 एंड 6. उसी तरीके से 1000 की प्लेस पे हमको 3 और 1 दे रखा है तो ये हो जाएगा 4. तो 4699. नाउ वंस की प्लेस पे 4 एंड 2 दे रखा है तो 6. टेंस की प्लेस पे दे रखा है 5 एंड 3 तो 8. 2 एंड 4 6. 1000 की प्लेस पे 3 एंड 5 है तो 8. तो ये हो गया हमारा 8656. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन कॉलम्स एंड ऐड. मतलब अब इनको हमको कॉलम्स में लिखना है और इनको ऐड करना है. हमको दे रखा है 4251 प्लस 1213 प्लस 2334. इनको हम 1000, 100, टेंस और वंस की प्लेस पे लिखेंगे इस तरीके से. ठीक है, तो हम इसको अब ऐड करेंगे. वंस की प्लेस पे 1 और 3 4, 4 एंड 4 8. ठीक है, टेंस की प्लेस पे 5 और 1 6, 6 एंड 3 9. 2 एंड 2 100 की प्लेस पे 2 एंड 2 4, 4 एंड 3 5, 6
7. 1000 की प्लेस पे 4 एंड 1 5, 5 एंड 2 6 एंड 7. इसी तरीके से इसका सम नंबर 4, 1174 प्लस 2012 प्लस 3430. तो वंस की प्लेस पे 4 प्लस 2 5 6, 6 एंड 3 9, 7 एंड 1 8, 8 एंड 1 9, 1 एंड 0 1, 1 एंड 4 5, 100 की प्लेस पे. अब 1000 की प्लेस पे 1 एंड 2 3, 3 एंड 3 6. ठीक है, इसी तरीके से एडिशन ऑफ फोर डिजिट नंबर्स विद कैरिंग, यानी कैरिंग कैरी दे करके हम एडिशन करेंगे. तो इसका क्या फॉर्मूला है देखो, 4878, 2349. तो वंस की प्लेस पे 8 एंड 9, 8 एंड 9 को हम प्लस करते हैं तो आता है 17. ठीक है, कितना आया 17. तो 17 का 7 हम नीचे लिखेंगे और कैरी जाएगा टेंस के ऊपर 1. ठीक है, 7 एंड 4 11, 11 और कैरी 1 करेंगे तो 12, 12 का हम 2 लिखेंगे. ठीक है, और 1 जाएगा 100 के ऊपर कैरी और 2 लिखेंगे हम नीचे. इसी तरीके से 100 की प्लेस पे 8 एंड 3 है तो 8 एंड 3 कितना 9, 10, 11, 11 और कैरी 1 करेंगे, प्लस 1 करेंगे कैरी का तो 12, तो 12 का 2 लिखेंगे और 1 जाएगा 1000 के वहाँ कैरी. जा रहा है ना 1000 के यहाँ 1 कैरी, देखो. ठीक है, अब 4 एंड 2 5 एंड 6, 6 एंड 1 1 कैरी प्लस करेंगे तो 7. तो आंसर क्या आया 7271. तो वंस को अगर वंस के डिजिट को प्लस करते हैं और कोई कैरी आता है तो हम टेंस की जगह लिखते हैं, और टेंस के डिजिट को प्लस करते हैं और कैरी आता है तो वो 100 की प्लेस पे लिखते हैं कैरी, और 100 के डिजिट को प्लस करते हैं और कैरी आता है तो हम 1000 की डिजिट पे लिखते हैं. तो इसी की हम एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज 3.3 आपकी. ठीक है, पेज नंबर 31 ऑफ योर बुक. नाउ वंस की प्लेस पे 3 एंड 3 है तो 6, कोई कैरी नहीं है. फिर 5 एंड 5 10, 10 का 0, कैरी का लिखेंगे 100 के वहाँ पर ऊपर. तो 4 एंड 4 8, 8 एंड 1 9. ठीक है, 1000 में 3 एंड प्लस 2 ये हो गया हमारा 5. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ योर टॉपिक. 8 वंस की प्लेस पे 8 एंड 8, 8 और 8 को प्लस करते हैं तो 16, 16 का 6 एंड कैरी वंस टेंस के ऊपर लिखेंगे 1. 6 एंड 6 12, 12 एंड 1 3, 3 नीचे और 1 जाएगा कैरी 100 की प्लेस पे. 5 एंड 7 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 एंड 1 1 प्लस करेंगे कैरी तो 13, 13 का 1 गया 1000 के ऊपर कैरी. 2 एंड 0 2 में 0 प्लस करेंगे 2 और 1 3. ठीक है, इसी तरीके से 8 सम ऑफ योर बुक. 8 एंड 9 कितना होता है 17, 17 का 7 कैरी 1. 6 एंड 8, 6 एंड 8 कितना होता है 14, 14 एंड 1 15 का 5 कैरी 1. 5 एंड 4 एंड 5 9, 9 एंड 1 10, 10 का 0 कैरी 1. 2 एंड 2 4 एंड 1 कैरी प्लस करेंगे तो 5. इसी तरीके से सम नंबर 12, 8 एंड 8 16, 16 का 6 कैरी 1. 6 एंड 5 11, 11 एंड 1 12 का 2 कैरी 1. 4 एंड 4 8, 8 एंड प्लस 1 कैरी को प्लस करेंगे तो हम 9. ठीक है, एंड 1 एंड 3 4. ओके स्टूडेंट, सो अगर आप बिल्कुल फॉर्मूले से स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कैरी को प्रॉपर जगह लगाएंगे तो हम इजीली एडिशन कर सकते हैं विद कैरी. ओके, रेस्ट रिमेनिंग सम यू हैव टू डू इन होमवर्क फ्रॉम पेज नंबर 29, एक्सरसाइज 3.2 एंड एक्सरसाइज 3.3 ऑन पेज नंबर 31. हैव अ नाइस डे, थैंक यू.